अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में जो है हम पास पेपर जो कि 1998 टूवर्ड्स 2019, ठीक है, सो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में जो चैप्टर 2 है बायो मॉलिक्यूल सिम टेक्स्ट बुक का, ठीक है, NTSK और लम्स की पास पेपर जो कि 1998 से मैं 2019 तक जितने भी आ चुके हैं ना बायो मॉलिक्यूल के चैप्टर में MCQs, वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। और जैसे मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ कि NTS के पास पेपर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, सो आप लोग खुद करने की कोशिश तो करें एटलीस्ट, ठीक है। मैंने वीडियोस प्रीवियस डाली थी लेकिन मुझे मतलब उस पर आप लोग कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो मैंने वो कंटिन्यू नहीं की। और बाकी स्टूडेंट की ये कमेंट कि मैम देखें, अब एक स्टूडेंट के लिए अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊँ, ठीक है, सो ये फिर यहाँ पे मतलब जो मेजोरिटी स्टूडेंट की होती है ना, जो एक कहती कि हाँ मैम हमें ये करवाएं, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं उसको करवाऊँ ना, और वरना मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट की विश को पूरा किया जा सके। और सेकेंडली ये कि देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियोस को जब मैं अपलोड करती हूँ ना, अच्छा कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आप एक वीडियोस अपलोड करती हैं तो फिर उसके बाद जो है आगे फर्दर तो आप पे डिपेंड करता है। मैं ये कई बार बता चुकी हूँ कि फर्दर वीडियोस अपलोड करना ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि उस पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लाइक कितने आ रहे हैं। लाइक एक होता है या दो तो उसका मतलब आपको पसंद नहीं आई चीज़, और व्यूज़ भी कुछ खास नहीं होते, ठीक है, और जो होते हैं उन्होंने भी लाइक नहीं किया होता, इसका मतलब मैं क्या समझूँ कि आपको पसंद नहीं आई, तो मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ, मैं आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करती, तो यही वजह है। और थर्डली जो है, आप लोग को जो PDF चाहिए होती है तो मैंने आप लोग के साथ लिंक शेयर किए हुए हैं, हत्ता कि मैंने वीडियोज़ की शक्ल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के आपको चैनल पर भी शेयर किए हैं, सारे लिंक आपके पास हैं, उस लिंक को खोलें, उसमें सब कुछ मौजूद है। NTS के पास पेपर का अलग लिंक मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, तो ज़रा सा आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम बायो मॉलिक्यूल के MCQs, ठीक है। सो ये देखें, एडेनिन गोनिन आर लार्ज एंड आर कॉल्ड, तो ये देखें ये मतलब इतने बच्चों वाले MCQs है कि इसमें मैं क्या समझाऊँ। अब एडेनिन गोनिन ये आप अपनी सिन टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना बायो मॉलिक्यूल का चैप्टर 2, तो उसमें बाकायदा बॉक्स बने हुए हैं कि एडेनिन गोनिन को जो है ये जो है लार्ज होते हैं उनको हम प्यूरिन्स कहते हैं, और बाकी साइटोसिन थाइमिन गोनिन ये जो है पायरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल चेन्स होते हैं। अच्छा, प्यूरिन्स में ना डबल चेन होती है, इसकी पहचान इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको रिंग्स दे के भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्यूरिन्स है कौन से पायरिमिडीन से, जो कि आगे MCQs आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। सो आप मुझे बताएं कि इसका ऑप्शन क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, ठीक है। सो फर्स्ट MCQs का जो ऑप्शन है वो है बी। सेकंड देखिए, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर फॉर्म, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो है फॉर्म होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये शायद मैंने अपनी क्लास को 9 में बताया था तो ठीक है, मतलब। और ये पता है चैप्टर 2 के अच्छा चलिए, अब 9 तो हो गई ना, जो हुआ वो तो हुआ मतलब आप अपनी फर्स्ट ईयर का जो खोलेंगे ना प्रोटीन का, और सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है, सिन टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम सिन प्रोविंस, सो सिन टेक्स्ट बुक, और जाहिर सी बात ये NTS के पास मैं डिस्कस कर रही हूँ। सिन टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना तो उसमें प्रोटीन का जो है सेकंड पैराग्राफ में आपको ये लाइन लेगी कि ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो है कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन सेकंड MCQs का क्या है, ए है। ग्लूकोज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज जो है वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्यों ग्लूकोज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ब्लड जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होती है उससे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये कह रहे हैं सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है। फर्स्ट देखिए, इट्स कंपाउंड कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस वजह से है क्या, हैज़ कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन, यस। ये शायद मैंने जब सिन टेक्स्ट बुक की वीडियोज़ भी आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है, ये जो है कार्बन का जो लिंक होता है ना हाइड्रोजन के साथ, तो जो कार्बन का जो लिंक है हाइड्रोजन के साथ, इस वजह से ये जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जा सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। बाकी फॉस्फेट बोन तो होता नहीं है, ठीक है, कि हाई एनर्जी फॉस्फेट बोन नहीं है। कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन नहीं, कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन, ठीक है।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड? फोर्थ एमसीक्यूज देखिए, इसमें से कौन सा लिपिड नहीं है? अब देखिए, मतलब मेरी जो बहन है जो कि मैट्रिक में, मैं उसको इस तरह के एमसीक्यूज नहीं दूंगी। मतलब आप सोचें, वो मैट्रिक लेवल पे है और मैं फिर भी उसको इस तरह से, मतलब बहुत ही ईजी एमसीक्यूज है, आप लोग की लक है, ठीक है। सो डिप्रेस ना हो मैं कह रही हूँ कि खुद पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, ठीक है, अल्लाह की ज़ात पर फुल यकीन रखें, ठीक है। अल्लाह ताला मतलब जब आपका बहुत ज़्यादा यकीन होगा ना, तो अगर वो चीज़ नहीं भी होनी होगी ना, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहेगा कि जाके ये चीज़ जैसे ये इंसान चाहता है ना, वैसे कर दो। क्योंकि इस इंसान का इतना यकीन है कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ वैसे ही हो जाए। तो आप लोग अपना यकीन पुख्ता रखें, ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। और मैंने आप लोग को जैसे बताया कि वीडियोज़ को कंटिन्यू ना करने की वजह मेरी यही है कि लाइक्स नहीं आए आते उस पर, व्यूज़ भी कुछ खास नहीं आते, और जो व्यूज़ आते हैं उन्होंने भी लाइक नहीं किया होता। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग नहीं चाहते, मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं चाहती कि उसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। और मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ की शॉर्ट सी वीडियोज़ अपलोड की, तो उस पर आप लोग के लाइक्स आए, ठीक है, थोड़े से भी आए, लेकिन कुछ ज़्यादा, मतलब प्रीवियस वीडियो से कुछ ज़्यादा है, तो मैंने फ़ौरन इसको कंटिन्यू करना चाहा, ठीक है। सो इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड? तो इसमें तो कौन सा लिपिड नहीं है? वैक्स, स्टेरॉइड, पेप्टाइड ऑयल्स। जाहिर सी बात है, सी क्या है? पेप्टाइड इज करेक्ट ऑप्शन। ये तो उसके प्रोटीन में है ना पेप्टाइड, लिपिड नेचर तो है ही नहीं है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं। अच्छा, कंपाउंड इज अ प्रोटीन, इसमें से कौन सा प्रोटीन है? फिक्स एम सी क्यूज देखें, हम इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, राइबोफ्लेविन, एड्रेनालिन, कोलेस्ट्रॉल, हेमोग्लोबिन। तो देखें, हेमोग्लोबिन क्या है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इसमें से प्रोटीन यही है, बाकी ये जो है ना, ये प्रोटीन इन नेचर है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? अच्छा, आप लोगों को समझ आ रहा है, मतलब मैं ठीक वेक नहीं कह रही और आप लोगों को बताया जा रही हूँ, ठीक है। सो मैं लगा देती हूँ, हैं ये हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, ये ओ पता नहीं क्या हो गया, शायद इस तरह से नहीं होगा। अच्छा, इसका मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला, और तो खैर कुछ और ही हो रहा है, छोड़ें इसको। आपको मैं जो वॉइस बता रही हूँ, ये आपको समझ तो आ रहा है ना, मतलब साथ में मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। चलिए, ये नहीं हो रहा। अच्छा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म?